दोस्तों शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है तो फिर आप छोटी से छोटी शुरुआत को भी बड़ा अंजाम दे सकते हैं। और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही कंपनी के बारे में है जिसने सिर्फ 295 रुपए के साथ शुरुआत करके खुद को वन ऑफ द बेस्ट फूड कंपनी बना लिया। और छोटे से घर से शुरू हुई यह कंपनी आज 60 से भी ज्यादा देशों में अपने लाजवाब बिस्किट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हम सभी के बीच काफी जानी मानी कंपनी ब्रिटानिया के बारे में, जिसकी शुरुआत आज से कई दशक पहले ही हो चुकी थी। लेकिन एक कमरे से शुरू होकर इस कंपनी ने किस तरह से 60 से भी ज्यादा देशों पर अपने प्रोडक्ट के जरिए राज किया, आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस कहानी को शुरू करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है MPL। MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग भारत की सबसे बड़ी गेमिंग ऐप है, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल से गेम खेलकर हजारों रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस ऐप के अंदर आपको अपने पसंद के गेम खेलने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, कैरम, पूल, बबल शूटर और रमी की तरह ही और भी ना जाने कितने। और यहाँ आप कई सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके अपने स्कोर को बढ़ाकर पैसे जीत सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल गेम खेलकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। लेकिन फिलहाल चलिए हम जानते हैं ब्रिटानिया की कहानी को। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई दशक पहले 1892 से, जब ब्रिटिश बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने सिर्फ 295 रुपए के निवेश के साथ इस कंपनी को शुरू किया था। और दोस्तों शुरुआती समय में यह कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिस्किट ही बनाया करती थी, जिसका उत्पादन सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में हुआ करता था। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसके फाउंडर्स को यह पता तो बिल्कुल भी नहीं था कि छोटे से कमरे में शुरू की गई यह कंपनी 100 साल से भी ज्यादा समय तक चल पाएगी। लेकिन इसके बेहतरीन क्वालिटी और कम रेट की वजह से बहुत ही तेजी से यह मार्केट में फैलने लगा था। और फिर आगे चलकर भारतीय लोगों ने जब आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट कर दी, तब ब्रिटिश बिजनेसमैन ने कंपनी को किसी भारतीय को बेचना सही समझा, और तभी गुप्ता ब्रदर्स ने ब्रिटानिया को खरीद लिया। और इसमें जो मुख्य हिस्सेदार थे उनका नाम था नलिन चंद्र गुप्ता। हालांकि 1918 आते आते कंपनी को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने इंग्लिश बिजनेसमैन CH होम्स को पार्टनर बना लिया। और फिर यहां से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि CH होम्स के आने के बाद से 1924 में ब्रिटानिया ने अपना एक और फैक्ट्री मुंबई में भी खोला। और अब दिन बीतने के साथ ही कंपनी भी तेजी से मशहूर होने लगी थी। और फिर आगे चलकर जब कुछ साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब अचानक ही बिस्किट्स का डिमांड काफी तेजी से बढ़ गया, और यही वजह थी कि ब्रिटानिया को अपने सेल्स को बढ़ाने में काफी मदद मिल गई। और इस दौरान कंपनी ने प्रोडक्शन के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। और फिर जब भारत 1947 में आजाद हो गया, तब इसके बाद भी कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई, और बिस्किट सेगमेंट का ज्यादातर मार्केट शेयर अब ब्रिटानिया के पास ही था। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 1979 में इसका नाम एक बार फिर से बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। हालांकि इस कंपनी की ओनरशिप कई बार बदली, जिसकी वजह से इसे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और दोस्तों केरल बेस्ड बिजनेसमैन राजन पिल्लई और नुसली वाडिया के बीच मालिकाना हक के लिए एक लंबी लड़ाई भी चली थी। हालांकि राजन पिल्लई की मौत के बाद से ब्रिटानिया का पूरा कंट्रोल नुसली वाडिया के पास चला गया। और दोस्तों इस तरह से कंपनी को भी कई दशकों तक कई सारे विवादों से जूझना पड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो भी लोग इस कंपनी के मालिक हुए उन्होंने कंपनी का प्रोडक्शन और लोकप्रियता कभी भी कम नहीं होने दी। और यही वजह थी कि कंपनी के अंदर भले ही कई सारे विवाद थे, लेकिन इसके ऑपरेशंस में कभी भी कोई भी कमी नहीं आई थी। और दोस्तों 1998 से 2001 के बीच ब्रिटानिया की सेल्स 16% से भी ज्यादा की दर से बढ़ी थी, जो कि बाकी कंपनी से काफी ज्यादा थी। और अभी जल्दी के अगर डेटा को देखा जाए तो फिर कंपनी 27% की दर से हर साल बढ़त में चल रही है, और यह आंकड़े कंपनी की सफलता को साफ साफ दर्शाते हैं। और दोस्तों ब्रिटानिया आप केवल बिस्किट में ही नहीं, बल्कि ब्रेड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स की तरह ही कई सारी चीजों में डील करता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि 60 से भी ज्यादा देशों में अपने शानदार फूड प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। फिलहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोटे से कमरे से शुरू होकर जिस तरह ब्रिटानिया आज 60 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है,
इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अगर आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे तब सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि भारत के सबसे पुराने ब्रांड्स में से ब्रिटानिया की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।